हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोशन चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो जानने की कोशिश करते हैं कि एक ग्राफिकल मेथड से ये तीन इक्वेशन किस तरीके से डिराइव की जा सकती है। हम इक्वेशन को समझते समझते ही इन टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि u यानी इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, a यानी एक्सेलरेशन, t यानी टाइम टेकन, v यानी हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, और s यानी डिस्टेंस ट्रेवल। और इसके बाद में हम देखेंगे ये ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मल्टीपल ऑफ एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, ठीक है। तो ये कैसे आया? सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपका, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि किस तरीके से वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ आपने ड्रॉ किया है। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो मैंने इसको जीरो पॉइंट से थोड़ा ऊपर में यहां पर ले लिया है, और इस ए पॉइंट को मैंने नाम में मैंने वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू कंसिडर की है। अब क्या हुआ है, मैंने यहां से एक्सेलरेशन अपना बढ़ाते गया, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते गया, और मैंने एक फाइनल वेलोसिटी इस बी पॉइंट पे रीच कर ली, ठीक है। तो इस बी पॉइंट को मैंने अगर वाई एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट किया तो क्या आएगा, मेरा ये वी पॉइंट आएगा, दैट इज मेरा फाइनल वेलोसिटी जो मैंने ई पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए मुझे टाइम कितना लगा, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे एक्सट्रापोलेट किया, तो मुझे पता चल गया कि ये कहां पे आया, ये आया यहां पर टी पे, ठीक है। तो इस जीरो से लेकर टी इतना टाइम मुझे सेकंड्स में लगा ए से बी तक वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ाने के बाद, और इसके कारण वेलोसिटी में इंक्रीज आया वी का, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ में देखेंगे तो OE याने V है, OA याने U है, ठीक है, OT याने T है। अब मैंने इस A पॉइंट को ये BC वाली लाइन के ऊपर मैं अगर ड्रॉ किया तो यहां पर मेरा एक पॉइंट आ जाएगा D, ठीक है। ये D पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्यों, ठीक है। आगे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कि इस BC को, ये जो BC लाइन है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। BC को हम लिख सकते हैं ना BD प्लस DC, है ना। BC को लिख सकते हैं हम BD प्लस DC, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये जो DC है ये लाइन OA के पैरेलल में है ना। तो DC के बदले में क्या OA लिख सकता हूं, हाँ जरूर लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहली इक्वेशन बनाई, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, और इसमें मैंने DC के बदले क्या लिख दिया OA। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये DC यानी OA है ना। तो मैंने OA, और OA क्या है, U है, और BC क्या डिनोट करता है हमारा, BC पैरेलल है मेरा इस लाइन से OE से, OE किसको डिनोट करती है, V को, है ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को। तो मैंने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी डाल दी BC के बदले, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, V इज इक्वल टू BD प्लस U, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, BD को एक तरफ रहने दिया, BD को लिख दिया मैंने V माइनस U, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब मुझे क्या पता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है एक यूनिट टाइम में। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और उस चेंज को आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है इतना ए ई के बराबर, है ना, क्योंकि यहां पर इनिशियली मेरा यू तक वेलोसिटी थी फिर वी तक पहुंच गए, है ना। तो ये ए ई लिख सकता हूं मैं, है ना, ए ई, और टाइम टेकन कितना हुआ मेरा एडी, है ना, लेट्स से एडी जितना टाइम लगा मेरा, या एडी के बदले अब मैं क्या कर सकता हूं,
क्योंकि ये AE पैरेलल है किसके, BD के, तो मैं लिख दूंगा चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू BD, और AD के बदले में लिख दूंगा AD क्योंकि OC के साथ पैरेलल है, तो OC, तो BD अपॉन OC। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहली वाली जो इक्वेशन बनाई थी वो किसके टर्म्स में थी, BD के टर्म्स में, तो मैं चाहता हूं कि ये वाली इक्वेशन भी मेरी BD के टर्म्स में ही बने। तो क्या हो गया, फाइनली BD की जगह पे और OC की जगह पे मैंने उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल दी। BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू एज सच कुछ भी नहीं है क्योंकि हमको BD के टर्म्स में इक्वेशन को लाना था, ठीक है। अब AD की वैल्यू कितनी है या OC की वैल्यू कितनी है, T के बराबर, तो A इज इक्वल टू BD अपॉन T, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A मल्टीप्लाइड बाय T, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, A मल्टीप्लाइड बाय T के बराबर, है ना। तो ये मेरा सबसे पहला आ गया BD इज इक्वल टू AT। अब ये BD इज इक्वल टू AT जो है, मैंने इसको क्या किया, उठाया और यहां पे रख दिया, तो क्या इक्वेशन बन गई, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, या फिर V इज इक्वल टू यू प्लस AT, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। नेक्स्ट, ये पहली मेरी इक्वेशन आ गई, देखो फर्स्ट इक्वेशन यही थी ना, कि हमको पूछा गया था, बताया गया था V इज इक्वल टू यू प्लस AT, वही इक्वेशन हमारी फिर से यहां पर हमने डिराइव कर ली, ठीक है। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन डिराइव करते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन ऐसे डिराइव करेंगे हम कि लेट्स से, अब मेरा ये हमने पहले ड्रॉ किया था कि हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या किया था, वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ में हमने ये एरिया ढूंढा था, है ना, ट्रायंगल का के या लाइन के नीचे का जो भी एरिया है उसको हमने क्या बोला था, उतना डिस्टेंस है। तो हमने पहले पार्ट में क्या किया था, हमने एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल लिया था, है ना, तो ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है आपका ओ ए बी डी सी, ये ट्रेपेजियम को मैं क्या लिख सकता हूं, इसका एरिया बोल सकता हूं मैं दो चीजों के बराबर है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी। तो मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं इसमें दोनों के एरियाज को पुटअप कर दूंगा, ठीक है, दोनों के एरियाज को पुटअप कर दूंगा, ये देखिए। तो पहले ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी जो है मेरा, इसका एरिया क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है मेरा ए डी और हाइट है मेरी बी डी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी हो गया। दूसरे पार्ट में मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट किया, ये तो ये कितना हो गया, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। अब मुझे क्या पता है, ओ ए क्या है, ओ ए यानी इनिशियल वेरी वेलोसिटी हो गई, ओ सी क्या है मेरी, टाइम की वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल में क्या हो गया, ये ए डी क्योंकि पैरेलल है ओ सी के, तो ए डी और ओ सी इज इक्वल टू मैं टी लिख सकता हूँ, है ना, ए डी और ओ सी को लिख सकता हूँ मैं टी। और इसके बाद में एंड बी डी के बदले में मैं लिख सकता हूँ ए टी, कैसे, ये 8.9 वाली जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी इसमें क्या वैल्यू आई थी, बी डी की 80। तो मैंने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट जब कर दी तो मेरा फाइनल फॉर्म क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। देखो अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को देखोगे, ठीक है, पहली इक्वेशन यहाँ पे बनी वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 और दूसरी इक्वेशन बनी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 80 की बहुत ज़रूरत पड़ रही है ना, यानी कि बिना टी के या बिना टाइम को जाने मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम के इंडिपेंडेंट बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ जाती है न्यूमेरिकल्स में, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम एक काम करेंगे सिंपली, कि एक ऐसा इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर टी की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन अब कैसे बनेगा, यही सवाल उठता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारा जो डायग्राम है फिर से उसी की तरफ जाएंगे। इस डायग्राम में फिर से हम एस की टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पिछली बार एस की वैल्यू जो थी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी की,
वो हमने कैसे कैलकुलेट की थी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया था। अब की बार हम इसको दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे, हम इसको एक सिंगल फिगर की तरह, एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक ट्रपेजियम है, और ट्रपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है बेस ट्रपेजियम का हाफ इंटू बेस इन ब्रैकेट हाइट 1 + हाइट 2, है ना। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई OC डिवाइडेड बाय 2, ये यहां पर ब्रैकेट्स होने चाहिए लेकिन दिए नहीं है, OA इंटू OA प्लस BC, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, S में S इज इक्वल टू क्या हो गया, OA के बदले में क्या लिख सकता हूँ, U लिख सकता हूँ, BC के बदले में क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ, तो मैंने U प्लस V लिख दिया। OC के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ, T लिख सकता हूँ, तो ये T लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो पुरानी वाली मेरी इक्वेशन थी, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, इसको ही यूटिलाइज करते हुए मैंने टी को इस फॉर्म में ला लिया, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। कैसे, ये यू को इस तरफ लेके गया तो ये वी माइनस यू हो गया, और इधर बच गया AT। अब ए को नीचे लेकर आ गया तो बच गया इधर राइट साइड में सिर्फ टी, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, है ना, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब सिंपल है, ये वी माइनस यू अपॉन ए की वैल्यू, जो वैल्यू है वो यहां पर टी के साथ में सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपकी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक ब्रैकेट में बच जाएगा आपका वी प्लस यू, और ये टी का टी के साथ जो वी माइनस यू आया था वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और डिविजन में आ जाएगा 2 × a, है ना। तो आपकी फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2as, क्योंकि ये 2a इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे आपका फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आया, ये था हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशंस डिराइव कर ली, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और 2 times AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बुक में इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यह एज अ होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, अब सर्कुलर मोशन यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कैसे कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है ना। और हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि अगर कोई भी चीज एक डायरेक्शन में मोशन लेके है, ठीक है, तो हम उसकी वेलोसिटी या स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो अगर सर्कल को अगर हम देखें, सर्कल को अगर हम देखें तो हमको क्या नजर आएगा, सर्कल को हम देखेंगे तो सर्कल का जो अगर आउटर सर्कमफेरेंस है ना, ये सर्कमफेरेंस कह लो या पेरिमीटर जो भी कह लो इसको, तो ये क्या होगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। तो सर्कल का पेरिमीटर या सर्कल का सर्कमफेरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 times πr, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अगर मुझे सर्कल के अराउंड मेरा मोशन कैसे हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इक्वेशन डाल दूंगा। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा हूं मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं 2πr के अबाउट, है ना, 2πr, तो मैं यहां पर क्या लूंगा 2πr, और टाइम में कितना टाइम लगा वो। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अराउंड। समझ में आया, यहां पर पाई की वैल्यू यूज नहीं की है, लेकिन आप जनरली, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने क्या अर्थ की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, अर्थ की वेलोसिटी कितनी है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, हम जनरली कंसिडर करते हैं, और अर्थ कितनी देर में अपने अराउंड घूमती है, अपने एक्सेस के अराउंड 24 आवर्स में। तो आपको पता है कि अर्थ का रेडियस कितना है, आपको पता है टी कितना है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अर्थ की वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल, ठीक है। ये एक बहुत
इसका बहुत एक चौंकाना वाला आंसर आएगा, तो आई होप इसको फाइंड करने के बाद आप एंजॉय करेंगे, और शायद ये फैक्ट आप अपने घर वालों को भी बताएंगे कि हम इतने स्पीड से घूम रहे हैं। ठीक है, चलो ये था हमारा चैप्टर मोशन। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर्स। कुछ रीजंस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा वीडियो और इंटरैक्टिव बना सकूं, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ यहाँ पर मौजूद है, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। आई होप प्लीज़ एक कमेंट करके आप नीचे में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो हमारे कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।